भैया, वो भी गोकुल में? कैसे? कहीं भेड़िए की आवाज सुनकर वो बाहर तो ना चला गया? जी आप क्या कह रहे हो? कान्हा, 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 पूनम मौसी, कान्हा को देखो क्या? द्वार खुलो है। कान्हा, कान्हा, कछु न होगा हमारे कान्हा को। कान्हा, 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 ठीक है ना? हाँ, क्या कर रहे हो तू यहाँ? ये स्वर कैसा है मैया? जे कोई साधारण स्वर ना है, जे तो भेड़िया की गुर्राहट है। भेड़िया ना, भेड़ियों की। लगता है पूरों को पूरों झुंड गांव में घुसा है। शीघ्र घर चलो जी, मुझे बहुत भय लग रहा है। और भोला बंसी को कहो द्वार के आगे पहरे के लिए आ जाए। अब चलो भी, आप क्या देख रहे हो? हमारी तो रक्षा हो जाएगी यशोदा, पर इन गांव वालों का क्या? उनकी रक्षा कौन करेगा? पहले यहां से चलो। शीघ्रता से द्वार झरोखे बंद कर दीजिए। नंदराज, हमारे गांव में भेड़िए और जी अचानक यहां कैसे आ गए? अब तो जीवन पे भी संकट आ गो है नंदराज। आप सब चिंता मत करो, हम शीघ्र ही इस समस्या का कोई समाधान अवश्य ढूंढ लेंगे। सुलक्षणा, चिंता मत करो, लो जल लो। प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? लीला नहीं मुरली, ये प्रयास है मेरा, ताकि मेरे माता पिता सभी गांव वासी स्थिति की गंभीरता को समझ पाए। चिंता चिंतन करने का समय नहीं है, अब समय है कर्म करने का, सदैव सदैव के लिए गोकुल छोड़ के जाने का।
शकुनन भैया? घर के द्वार बाहर से बंद थे नंदराज, वो जहां भी गए वहां से लौट के ना आए अभी तक। गोकुल में क्या हो रहा है नंदराज? पहले सूखा पड़ो और अब ये भेड़ियों का आतंक। उस धूर्त व्यापारी के साथ व्यापार ना करके कंस का षड्यंत्र असफल कर दिया था, उसी का प्रतिशोध ले रहा होगा वो। अवश्य उसने ही भेड़िये छोड़ दिए होंगे गांव में। जे सही तो कह रही है नंदराज, नहीं तो रातों रात भेड़ियों के झुंड कहां से आ जाएगा? महाराज कंस की क्रूरता के बारे में हम सब जानते हैं, और मुझे लगता है कि इस बार इस संकट का कारण महाराज कंस ना है बल्कि सूखा है। आसपास के वन में जल की एक बूंद भी शेष ना है। पास के गांव के जलाशयों का जल कब का सूख चुका है। यदि जल शेष बचो है तो वो केवल हमारे गोकुल में। इसीलिए जल खोजते खोजते वो यहां तक आए होंगे। कहीं और ना जा सकते थे? हमारा गोकुल ही मिला था उन्हें। तब तो फिर गोकुल भी सुरक्षित ना है। पर मौसी, हाँ, ये संकट तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जी जी, आज तो आपने आश्रय दे दिया, पर प्रतिदिन यहाँ रात कैसे बिताएंगे? रात तो छोड़ो, अब तो दिन में भी घर से निकलते भय लगेगो। असली समस्या तो ये है कि इस भयंकर सूखा में शीघ्र ही गोकुल के जल तो सूखे जाएगो, और फिर कैसे रहेंगे हम यहाँ? ऐसे में तो शीघ्र ही गोकुल को सारो अनाज समाप्त हो जाएगो नंदराज। गैयाओं का चारा तो पहले ही हाथ रोक रोक कर देना पड़ता है, पर अब हम करें तो करें क्या? कैसे बचाएं हम अपने प्राण? क्या ऐसे ही मृत्यु आनी है भूख से तड़प तड़प के? हाँ, कहाँ जाएं हम, बताइए ना। शिकरी, आपको एक बड़ा डिनर लेना होगा। मैया भी ना कितनी जूझ जाती है गुस्सों से भी। ये सब मुझे जब छोड़ना हो तो कैसे संभाली तू स्वयं को? बाबा जहाँ हम होंगे वही तो नंद भवन होगो, चाहे गोकुल में हो या कहीं और। ये भेड़ियों की घुर्राहट सुन रहे हो आप लोग? ये संकेत है इस बात का कि यदि अब भी हमने अपनी रक्षा का कोई उपाय ना किया तो हमें इस सूखे के भयानक परिणाम भुगतने होंगे। श्री नारायण का धन्यवाद जो भेड़ियों के माध्यम से हमें सावधान कर दियो, पर अब और कोई चारा ना है। हमें अपना घर, अपना सब कुछ, अपनों गोकुल छोड़कर जानो पड़े, अपनों गोकुल छोड़कर जानो पड़े।
पर नंदराज, यदि हमने अपने आप को, अपने परिवार को समझा बुझाकर गोकुल छोड़ने के लिए तैयार कर भी लियो, परंतु हम जाएंगे कहां? हाँ नंदराज, हम अपनी घर गृहस्थी, अपने बालक, अपनी गैया लेके कहां भटकेंगे? कहीं ना कहीं तो बस तो पड़ोगा ना हमें, पर हम जाएंगे कहां? हाँ नंद भैया, हम कहां जाएंगे? इसका उत्तर तो मेरे पास भी ना है कि अब कहां जाएं हम, किस दिशा में, किस ओर? इन्होंने ऐसा सोचा भी कैसे? जो असंभव है, ऐसे कैसे चले जाएं अपना गांव, अपना घर छोड़ के? मैया घबरा क्यों रही हो? मैया आप ही तो कहती हो नारायण जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। नंदराज, आपकी दृष्टि में कोई स्थान है क्या जहां हम बस पाए, जहां हमें जीने के साधन तो मिल पाए, जहां हम पर और हमारे बालकों के जीवन पर कोई संकट ना आए? हाँ नंदराज, बताओ हम गोकुल छोड़कर जाए तो जाए कहाँ? वृंदावन, वृंदावन। अपनन भैया, कहाँ चले गए थे भैया? चिंता हो रही थी। कल मुझे एक दिव्य संकेत मिला था। यदि मैं गोकुल की सीमा से बाहर जाकर उत्तर दिशा की ओर बढूं, तो मुझे हमारी समस्या का समाधान अवश्य मिल जाएगा। इसीलिए भोर होते ही मैं घर से निकल गया। पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा आनंद, सिर्फ सवा प्रहर में मैं उस स्थान पर पहुंच भी गया। उस क्षेत्र के यात्री और ऋषि मुनि उस स्थान को वृंदावन के नाम से पुकारते हैं। वृंदावन, वृंदावन, वृंदावन। वृंदावन, उस जगह पर अपने पग धरते ही मुझे यह एहसास हो गो कि यहां पहुंचाने के लिए जरूर किसी दैविक शक्ति ने मेरी सहायता की है। मेरा मन तो सुख की अनुभूति से प्रफुल्लित हो गया। और विशेषताओं की तो मैं बात ही क्या करूं, भूमि बहुत उपजाऊ है, जहां देखो चहुओं पुष्प पुष्प है, फूल ही फूल खिले हुए। जल की भी कोई समस्या नहीं है नंद, जितने भी कुंड मैंने देखे सबके सब लबालब जल से भरे हुए थे। जिधर देखो झरने बह रहे हैं, नदी बह रही है। जब गोकुल छोड़कर जाना ही है तो इससे उत्तम स्थान और बसने के लिए ना मिल सके हमें। मुझे तो लगता है कि प्रभु श्री नारायण ने हमारे लिए पहले से ही यह स्थान चुनकर रखो। ये सब चाहे जो निर्णय ले ले, मैं अपना घर छोड़कर कहीं ना जा रही। नंद, एक राजा होने के नाते प्रजा की रक्षा का भार अब तुम्हारे कंधों पर है, क्या निर्णय है तुम्हारा? हम वृंदावन जाएंगे, यात्रा की तैयारी आरंभ करो। नंद जी, इतनी शीघ्रता में कोई निर्णय लेना ठीक ना है। हाँ नंदराज,
हम हमारा घर गृहस्थी छोड़कर ना जाएंगे। हम ना जाएंगे नंद भैया। समझने का प्रयास करो यशोदा, यदि तुम भी। आप समझने का प्रयास करो नंद महाराज, ऐसा कोई समाधान निकालो जिससे हमें अपना जीवन अपना घर छोड़ने की आवश्यकता ना पड़े। स्थिति कुछ ऐसी है कि मैं चाहकर भी अपना निर्णय ना बदल सकता, इसलिए हमें यात्रा की तैयारी आरंभ करनी होगी। और उसके लिए सबसे पहले हमें अपने अपने परिवार वालों को मनाना होगा। हमने साथ मिलकर आज तक जो भी काम करो है उसमें सदैव सफलता पाई है यशोदा। आज भी मुझे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है। इतने वर्षों में एक बार भी ऐसा ना हुआ कि मैंने आंखें मूंद कर आपकी कहीं ना मानी हो। आपके हर निर्णय हर कार्य में आपका साथ दिया है मैंने और आगे भी दूंगी, पर गोकुल छोड़कर जाने की बात मत ही करना आप। बसे बसाए घर को छोड़ के चली जाऊं, इतना कठोर ना है मेरा हृदय ना। यशोदा, 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 स्थिति को समझो यशोदा। और मेरी स्थिति उसे कौन समझेगा? इस घर में कितनी स्मृतियां हैं मेरी। विवाह के बाद अपने मैया बाबा को छोड़कर जिस अपरिचित स्थान पर पहली बार आई थी, जो वही घर, इसी घर में आपको जाना समझा, आपका प्यार मिलो और पूरे गोकुलवासियों का स्नेह मिलो, अपने निसंतान होने की पीड़ा इन्हीं दीवारों से बांटी है मैंने। और पीड़ा ही क्यों, अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रसन्नता यहीं तो मिली है मुझे, इसी कक्ष में जहां कान्हा का जन्म हुआ। पता है आपको विदाई के समय मैया ने मुझे क्या सीख दी थी? बिना यमराज के बुलाए ना तेरा इस घर से साथ छूटना चाहिए ना नाता टूटना चाहिए। डोली में बैठकर जा रही है, अर्थी में ही बाहर आना ना। पहली बार अपने पति देव की आज्ञा ना मान रही मैं, क्षमा कर देना, पर मैं इस घर को छोड़कर ना जा सकती। यशोदा, पूर्णा मासी, अब आप ही समझाइए यशोदा को। ये मैं तो स्वयं को ना समझा पा रही, इसे का समझाऊंगी? सारा जीवन यही बीता है, मैं भी न छोड़ पाऊंगी जे गोकुल को। कह देती हूं नंदराज, गोकुल छोड़ने का संकेत तुमने ही दिया था कान्हा, अब इस कार्य को पूरा करने का दायित्व भी तुम्हें ही संभालना होगा। कृष्णा, कृष्णा, हरे कृष्णा, 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 मुरली मनोहर।
इस संकट को आप क्षण भर में दूर कर सकते हो। ने कहा ये मेरे नाम का चमत्कार है, तो जो तुम्हारे जाप के कारण इस माला में समा गया है, तो बताओ तुम्हारे लिए इस माला के मणकों का महत्व क्या है? संसार के सबसे मूल्यवान रत्न जैसे हैं जे, और उस संदूक की तरह है जिसने मेरी भक्ति की शक्ति को अपने भीतर में संचित करके रखो है, और मेरे ऊपर आपके आशीर्वाद का स्रोत है प्रभु। अर्थात इस माला का हनुमान का मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है ना? हाँ प्रभु। तब तो हर मन का तुम्हारे लिए सामान्य रूप से महत्वपूर्ण होगा। हाँ प्रभु। तो पूर्णा, जब तुम एक मनके पर मेरे नाम का जाप कर लेती हो, तो फिर उस मनके का क्या करती हो? प्रभु, मैं उसे छोड़कर दूसरे मनके पर चली जाती हूँ। तुम्हारे लिए सारे मनकों का महत्व एक समान है, फिर भी जब एक मनके पर मेरे नाम का जाप पूर्ण होता है, तो तुम उस मनके को छोड़कर आगे बढ़ जाती हो अगले मनके पर मेरे नाम का जाप करने। बस मुझे भी तो अब यही करना है, एक मनके को छोड़कर दूसरे मनके की ओर बढ़ जाना है। गोकुल मेरा पैड़ा पड़ा था, वृंदावन दूसरा पड़ा होगा। ये सूखा हमारे लिए आगे बढ़ने का संकेत है। पूर्णा, मिट्टी से मोह उचित नहीं है। मैं समझ गई प्रभु। और अब समझाना भी होगा। बोलो, करोगे ना आप दोनों मैया को समझाने में मेरी सहायता? हाँ प्रभु। पर कान्हा, तुम करने क्या वाले हो? कभी कभी अपनों को समझाने के लिए कड़े निर्णय लेना आवश्यक होता है बाबा। लगता है मुझे मैया को छोड़ के जाना होगा। कान्हा, कान्हा ने दूध पी ले। कान्हा कहाँ है तू? कान्हा कहाँ है तू? पूर्णा मौसी के साथ बाहर बैठा होगा। लल्ला यहाँ भी ना है, अवश्य गौशाला में होंगे। कान्हा, पूर्णा मौसी बता के तो आते। ना कान्हा है, ना ये है, ना पूर्णा मौसी, और रामू सबला भी ना है। कहाँ गए सब? बंसी? हाँ रानी भाभी। बंसी, ये कान्हा इनको या पूना मौसी को किसी को देखो है क्या? हाँ रानी भाभी, अभी तीनों लोग साथ में ही कहीं जा रहे थे। कछु बता के गए? कहाँ गए हैं, कब तक आएंगे? नहीं बताया तो नहीं। मुझे बिना बताए ही चले गए। आने दो इन दोनों को, बहुत अच्छे से स्वागत करूंगी इनका। अच्छी बात ना है,
कम से कम बता के तो जाना चाहिए था ना। तो ऐसा कभी ना किया इन सबने, फिर आज क्यों? हे नारायण, मैंने पूरे गांव के सामने इनके सुझाव का विरोध कर दिया था, कहीं जे मुझसे रुष्ट तो ना हो गए। चाहे जो हो, बता के तो जाना चाहिए था ना। क्या करूं मैं अकेले इतने बड़े से घर में? सूर्यास्त भी होने वाला है, रात होते ही भेड़ियों का भी भय है। कहाँ रह गए थे तीनों? करूं तो करूं क्या, ऐसे हाथ पे हाथ धर के भी तो ना बैठ सकती। मैं जाऊं क्या? सुलक्षणा, शांति, तनिक इधर आओ। क्या हुआ जीजी? सुनो, तुम दोनों ने कानों को देखो है ना? और नंदराज को ना? तो और तुम दोनों के पति बालक सब घर पे ही हैं? हाँ जीजी। इस समय कहाँ जाएंगे? हाँ, हम चलते। फिर जितिनो कहाँ चले गए? कहीं किसी की सहायता करने तो ना निकल गए? पर मुझे बता के तो जाना चाहिए था ना। पहली बार अपने पति देव की आज्ञा ना मान रही मैं इस घर को छोड़कर ना जा सकती। कहीं क्रोध में मुझे छोड़ के तो ना चले गए? इन दोनों के बिना क्या करूंगी मैं? अपनों के बिना, अपने परिवार के बिना क्या करूंगी मैं इस घर का? वही दोनों तो है मेरा जीवन, मेरा संसार, उनके बिना जे घर घर रहा है। परिवार के बिना सब व्यर्थ है। पूर्णा मौसी, काना कहाँ है? और जे चेतनो, वृंदावन? हम यही हैं, तुम्हारे साथ। कहाँ चला गया था तू अपनी मैया को छोड़ के? हाँ? और आप कहाँ चले गए थे? पता है कितनी चिंता हो गई थी मुझे। तनिक भी मन ना लगा मेरा पूरे दिन। ऐसा लगो जैसे पूरा घर काटने को दौड़ रहा हो। संध्या होते होते तो ऐसा लगो जैसे जे घर घर ना है, जैसे कोई बंदी ग्रह है। काना, जय तो समझाना चाह रहा था तुझे। घर वही हो तो है जहाँ अपना परिवार हो तो है। अपने सगे संबंधियों के बिना, अपने परिवार के बिना, अच्छे से अच्छा घर भी मात्र मिट्टी और लकड़ी के समान लगो है, उससे अधिक ना लगो है। इसीलिए तू ही बता जसोदा, जे द्वार, जे दीवारें, जे झरोखे, जे सबसे बनी संरचना तुझे ज्यादा महत्वपूर्ण है? जा तेरा परिवार, तेरे अपने अपने मौसी, मेरे अपने, मेरा परिवार, पर अभी भी तू पर के फेर में पड़ी है। जे तो मेरा सामान समेटने गए थे और अब काना की बारी है। ए कानो, चल चल,
अपना सामान समेट ले। जी क्या कह रही हो आप बॉस? मैया वृंदावन जा रहे हैं, मैया वृंदावन जा रहे हैं। ना काना, कहीं ना जाएगो तू। तू जान तो है ना तेरी मैया तेरे बिना ना रह सकती। मैया जाना तो पड़ेगो, कितने सारे भेड़िया आ गया और सूखा भी तो है। कुछ ही दिन में सब जल सूख जाएगा, फिर क्या पीऊंगू मैं? मैया जल चाहिए। रुक अभी लाई। कान्हा जाएगा तो मुझे भी जाना होगा यशोदा। हाँ तो मैं भी तो चलूंगी। पर तू तो कह रही थी तुझे घर छोड़ के ना जाएगी। अब भी ना मौसी इतना भी ना समझती। जहाँ मेरा कान्हा है, मेरे पति है, वही तो मेरा घर है। वाह यशोदा, जो मैंने समझाया वही मुझे समझा रही है। तो इसका अर्थ ये है कि तुम जाने के लिए मान गई? और नहीं तो क्या। पर देखो जी, जाने से पहले एक वचन देना पड़ेगा। वचन? हाँ, मुझे वहां भी ऐसा ही घर चाहिए। ऐसो ही घर? ऐसो ही। हाँ बोल दो बाबा। कई मैया ने अपनी हाँ वापस ले ली तो समस्या हो जाएगी। हाँ हाँ, मैं वचन देता हूँ तुम्हें कि तुम्हें ऐसो ही घर मिलेगो। पर तुम्हें सारी गोपियों को मनाने होगो, मना पाओगी? हाँ, अरे मैं चलने को तैयार हो गई ना। अब देखना सब पीछे पीछे आएंगी। मैं उनकी जसोदा जिज्जी हूँ। हाँ, और सच्ची बात तो ये है, कान्हा जाएगा तो सारी की सारी गोपियां अपने आप पीछे पीछे चली आएंगी। पर देखो जी, वचन दियो है आपने, स्मरण रखना, घर के ऊपर कोई समझौता ना करूंगी मैं। ऐसा ही घर मिलेगा यशोदा। और समय व्यर्थ करने से कोई लाभ ना है। आज की रात गोकुल में हमारी अंतिम रात होगी। बोला, जाकर पूरे गांव में यह घोषणा करवा दो। रुको बोला। सुनो जी, ऐसे समाचार की घोषणा करवाना ठीक ना है। कितना भी हो, अपने घर को अपनी मिट्टी को छोड़कर जाना किसी के लिए भी सरल ना है। ना जाने उन सब पे क्या बीतेगी जे सुन के। मैं स्वयं जाऊंगी, उनको समझाऊंगी कि अब गोकुल से सदैव के लिए नाता तोड़ने का समय आ गया है। कि अब गोकुल से सदैव के लिए नाता तोड़ने का समय आ गया है। भोला और बंसी को साथ ले जाओ। सूर्यास्त को समय हो गया है, कहीं भेड़िया आ गए तो। मैं भी सामान बांधकर निकलने की तैयारी करता हूं। Thank you.
गांव वालों का नेतृत्व करना मेरा कर्तव्य है प्रभु, और इसे निभाने के लिए साहस बनाए रखना आवश्यक है। पर आपसे कछु छुपो ना है, इतनी कृपा करना प्रभु के सब कुछ सही हो, कोई कष्ट ना है, हमारी यात्रा सुखद और मंगलमय हो। जिस उद्देश्य से हम वहां जा रहे हैं वो सफल हो प्रभु, बस इतनी कृपा कर। बाबा सब ठीक हो जाएगा। सामान बांधना आरंभ कर दे सुलक्षणा। ना कस्तूरी, श्री नारायण तो वहां भी हमारे साथ ही रहेंगे ना? ना ना, देखना हमें वो कोई भी कमी ना होने देंगे। यहाँ जैसी सारी सुख सुविधा मिलेगी हमें वहां। अपनी भाभी पे विश्वास है ना? श्री नारायण तो वहां भी हमारे साथ ही रहेंगे ना? देखना हमें वो कोई भी कमी ना होने देंगे। आप सच कह रही हैं जीजी। जीजी, क्या हमें बिल्कुल ऐसी ही सुख सुविधा वहां मिल पाएगी? मैं वचन देती हूँ, श्री नारायण की कृपा से हमें ठीक ऐसी ही सुख सुविधा वहां भी मिलेगी जैसी यहाँ मिलती आई। मैं वचन देती हूँ, श्री नारायण की कृपा से हमें ठीक ऐसी ही सुख सुविधा वहां भी मिलेगी जैसी यहाँ मिलती आई। प्रभु, वृंदावन में गोकुल जैसी सुख सुविधा देने का वचन बाबा ने केवल मैया को दिया था, पर मैया ने तो पूरे गांव को यही वचन दे दिया। उनके इस वचन का मान तो रखना ही होगा, पर ये कार्य मैं नहीं कोई और करेगा। मुरली कौन? प्रभु निर्माण और शीजन के देवता दिव्य वास्तु शिल्पी देव विश्वकर्मा। निर्माण और शीजन के देवता दिव्य वास्तु शिल्पी देव विश्वकर्मा। निर्माण और शीजन के देवता दिव्य वास्तु शिल्पी देव विश्वकर्मा। श्री कृष्ण ने मुझे स्मरण किया, प्रभु ने मेरा आह्वान किया, इतने देर सही सही अब मैं भी प्रभु के दर्शन कर पाऊंगा, प्रभु से मिल सकूंगा, मैं भी प्रभु कृष्ण से मिल पाऊंगा, कान्हा से मिल पाऊंगा मैं। पर मैंने कही थी ना आपसे कि सब मान जाएंगी, उन्हें हम सब पे बहुत भरोसा है जी। मनाना तनिक कठिन अवश्य था, पर मैंने समझाया सबको, चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है, नारायण हम सबका ध्यान रखेंगे। क्यों काना, रखेंगे ना? आप जो चाहोगी वही होगा मैया। मेरा अर्थ है नारायण सब ठीक करेंगे। मैं आता हूँ। चल तू बैठ जा, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ, आ जा।
प्रभु का स्वर तो मुझे यहीं से आया था, तो फिर मैं प्रभु के दर्शन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? श्री कृष्ण, 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 श्री कृष्ण। यहाँ तो कंकड़ पत्थर भी प्रभु का नाम पुकार रहे हैं, मानो उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हूँ। कौन सा स्थान है ये? वृंदावन, वृंदावन, वृंदावन। कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा श्री कृष्ण। प्रभु, आपका आह्वान सुनते ही सारा सुध-बुध खो बैठा और दौड़ता हुआ चला आया, और जब पांव ठहरे तो मैंने देखा कि मैं यहाँ हूँ, इस रिक्त स्थान में। यहाँ का कण कण आपको पुकार रहा है प्रभु। ये स्थान मेरा अगला पड़ा होगा विश्वधर्मा, और आपको मेरे परिवार और भक्तों के निवास का प्रबंध करना होगा। मुझे तो लगता है पूरी तैयारी से आया। समझ गया प्रभु, आप चाहते हैं कि ये स्थान, यहाँ का हर घर, पत्थर, दीवार, खंभ सब गोकुल के समान ही हो। क्या हुआ, भोजन अच्छा ना बनवाए क्या? सच्ची में इतना बुरा बन गया है? उत्तर दिया तो था देव विश्वकर्मा को, पर मैया ने ले लिया अपने ऊपर, अब कैसे संभालूं? लग तो है कोकुल छोड़ने की व्याकुलता में कछु गड़बड़ कर दी है मैंने। मैं कछु और बना के लाती हूँ। हाँ लल्ला। मैया, भोजन अच्छा बनो है, बहुत अच्छा बनो है। सच्ची? तो फिर खा क्यों ना रोए? क्योंकि आप खिला रही नारी। अच्छा जी, तो ले फिर ले। कल भोर होते ही इस घर को सदा के लिए छोड़ के जानो है हमें, इसे सब पतो है, पर फिर भी ना कोई चिंता है ना कोई व्याकुलता। यदि हम सब भी इसी के जैसे बन पाते तो इतना दुख काहे को होता। प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जगपाला। आप निश्चिंत रहिए प्रभु, आपके भक्तों को वृंदावन में कोई कष्ट नहीं होगा। तनिक भी स्थान ना बचो, पर इसे कैसे छोड़ दूं? जब अपने मायके से लेके आई थी मैं, और जे इस
जिसमें पहली बार कान्हा को माखन खिलाया था। सुधा संभाल के। सहायता की कोई आवश्यकता ना है, मैं सब समेट लूंगी। मस्ती बसाई हुई हस्ती समेटना इतना सरल ना है। जीवन है जे, कोई खेल ना है कि समाप्त हो गया तो चलो। अनप मैया मैया जे क्या करो तूने मैया। रो मत लल्ला मैया, टोकरी भारी हो गई है भैया, मैं उठा ही ना पायो, सारे खिलौने गिर गए। तो सारे खिलौने टोकरी में डाले क्यों? सब ले जाना आवश्यक थोड़े ना है। यही तो समझ ना आ रहा मैया, और क्या छोड़ू और क्या लेकर चलू। ये देख मैया, ये वाला हाथी बाबा कितने प्यार से मथुरा से लेकर आए थे मेरे लिए। ये देखो मैया, मेरे जन्मदिन का उपहार आज उन्होंने कितने प्रेम से दिया था मुझे। चिंता मत कर कान्हा, जो छूट रहो है ना छूट जाने दे। पुराना जाएगो, अभी तो नया आएगो ना लल्ला। मैं और तेरे बाबा तेरे लिए ढेर सारे खिलौने ले आएंगे। अभी तू बस वो ही खिलौने रख जिसकी तुझे वृंदावन में आवश्यकता पड़े। फिर मुझे कुछ चाहिए ना मैया, और बस मेरी मुरली और तुरी पर्याप्त है। मैया आप मेरी टोकरी ले लो, आपका सामान बहुत अधिक है ना। जो अपने लल्ला को समझा रही थी उसका सार स्वयं ही ना समझो मैंने। वाह काना, तुम और तुम्हारी लीलाएं सच्ची में अनोखी। बिना कुछ कहे ही मैया को समझा दियो। बस सकट मंगवा तू। बाबा मेरी तैयारी हो गई, मैं चलूं आपके साथ। आज Oh.
आंखों में आंसू। मैया, आप ही तो कहती हो ना कोई नया कार्य दुखी होके ना प्रसन्न होके आराम करना चाहिए। आपके ऊपर ये छाया कैसी है? ओहो, दुख की छाया है, अब भी भगा दूंगा इसे। अच्छा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
बाद हम कैसे रहेंगे? भाई हमें वो खा गए तो? वृंदावन कोई वन ना है लल्ला, वन से घिरा हुआ एक स्थान है। तब तो उसे वृंदा धाम या तो उसे वृंदा स्थल कहना चाहिए। कितना से आना है मेरा लल्ला? वृंदावन हो या स्थल, आपके चरण पड़ेंगे प्रभु तो अपने आप धाम बन जाएगा वो। सुलक्षणा काकी, वृंदावन में बेड तो मिलेंगे ना? आप चुप चुप के क्या तोड़ोगी और क्या खाओगी? तू हमेशा मेरे भोजन के पीछे क्यों पड़ जाता है रे? क्योंकि मुझे पता है आपको भूख लगती है तो आप और भी भयानक हो जाती हो। फिर तुम दोनों सबके चुगली कहाँ बैठ के करोगी? कुछ ही समय में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। अच्छा भानु, वहाँ पहुँचते ही हमें शिविर लगाने का कार्य प्रारंभ करना होगा, ताकि जब तक नंदराज और अन्य सभी वहाँ पहुँचे, उनके विश्राम और निवास का प्रबंध पहले से ही हो चुका हो। उपनंद भैया, तुम सत्य कह रहे हो ना दुर्जन? पूरी तरह जांच पड़ताल कर ली है ना तुमने? नंद ने अपने परिवार और समस्त गोकुल वासियों के साथ आज गोकुल छोड़ दिया है। आपको प्रसन्न देख के मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ महाराज, पर आपके सट्टहास का कारण क्या है? जिसके कारण इतने वर्षों तक मैं चिंतित रहा, ओ विष्णु अवतार, एक साधारण से सूखे से भयभीत हो गया, भेड़ियों से घबराकर भाग गया वो प्राप्ति। इसका अर्थ है कि है प्राप्ति, ओ विष्णु अवतार बहुत ही दुर्बल है। यदि उसमें सामर्थ्य होता तो वो अपने प्रिय गोकुलवासियों की रक्षा के लिए अवश्य कुछ ना कुछ करता। कहीं मैंने उस साधारण से बालक को अवतार होने के कारण कुछ अधिक महत्व तो नहीं दे दिया? क्या हुआ पूना, क्या सोच रही हो? प्रभु, केवल जे सूखा ही गोकुल के छोड़ के जाने का कारण ना हो सकता है, अवश्य ही कोई और कारण भी है। अनेक कारण है पूर्णा, और कंस उसमें से एक कारण है। पूरी सृष्टि में वो कहीं भी क्यों ना चला जाए, किंतु जो त्रास उसने मुझे दिया है उसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। आकाशवाणियों के कारण होने वाला कष्ट का उतना सच्चा तौर तणावर जैसे निष्ठावान मित्रों की हत्या की पीड़ा का प्रतिशोध अवश्य लूंगा मैं। दुर्जन, जाओ
और पीछा करो उस विष्णु अवतार का। अपनी दृष्टि को केवल और केवल उस पर रखना। मुझे एक एक क्षण की सूचना चाहिए। बताओ कहां भाग कर जा रहा है वो विष्णु अवतार? कंस, उसने केवल मुझ पे नहीं मेरे गोकुल पे भी आक्रमण किया था। पूर्णा, मैं समझ गई प्रभु। पहले पूर्णा के विशाल शरीर के गिरने से गोकुल को भयंकर भूकंप का सामना करना पड़ा था, और फिर तृणावर्त के भीषण पवंडर से गांव वासियों को कितना कष्ट पहुंचा था। प्रभु, इसका अर्थ ये है कि गोकुल इसलिए सुरक्षित बचा रहा क्योंकि वहां आप थे। उस समय मैं शिशु के रूप में था पूर्णा। कंस के आक्रमणकारियों को रोकने के लिए मैं जाकर भी घर से बाहर नहीं निकल सकता था, पर इस बार उन दुष्टों को अपने गांव के भीतर अपने वृंदावन में प्रवेश भी ना करने दूंगा मैं। सुनो जी, हम फिर से गोकुल आ गए क्या? जी मेरा स्वप्न तो ना है ना, हम तो उसी मार्ग पर जा रहे हैं जो उपनंद भैया ने बताया था। ये तो बिल्कुल गोकुल के द्वार जैसा ही है। कहीं हम पथ भटक कर वापस तो नहीं आ गए? वृंदावन में आप सभी का स्वागत है। ये कैसे संभव हुआ भैया? आपने इतनी शीघ्र गोकुल जैसा द्वार कैसे बनाती हो? केवल द्वार ही नहीं बहू, देखो पूरा का पूरा गांव ही गोकुल जैसा है। जिंजी, देखो ना आपने। हाँ, ये तो चमत्कार हो गया। पर भैया, ये हुआ कैसे? हम भी जब यहां पहुंचे तो ऐसे ही इसे देख के भौचक्के रह गए थे, पर फिर हमें कोई मिलो। प्रणाम। ये आपने बनाया? ये तो एकदम हमारे गोकुल के मुख्य द्वार जैसा है। श्री नारायण की यही इच्छा थी। वो चाहते थे कि गोकुल वासियों को वही सुख सुविधा मिले जिसे गोकुल में छोड़कर उन्हें यहाँ आना पड़ रहा है। लेकिन कल ही तो मैं यहाँ आकर गया हूँ, और तब तो ये सारी भूमि रिक्त थी। इतनो सब कुछ आपने इतनो शीघ्र कैसे बना दियो? श्रीमान,
श्रीमान, फिर न जाने वो महापुरुष कहाँ चले गए। हमने बहुत ढूंढो भी उन्हें, लेकिन वो मिले नहीं। अवश्य ही श्री नारायण के दूत होंगे वो, तभी तो इतना भव्य उपहार दे गए। यशोदा जी, वो देखो मेरा घर बिल्कुल गोकुल जैसा ही है ना। भाभी, वो देखो मेरा घर बिल्कुल गोकुल जैसा है ना। देख क्या रहे हो, पतिदेव होने का धर्म निभाओ। चल लल्ला। यशोदा, तुम कहाँ चली? अपना घर देखने चल। सोदा जी, ढेर सारे फूलों के पौधे भी यहाँ, वैसे ही जैसे आपका रामू खा जाता था। जी, जे रहो आपका घर। इसका जे कि अगला घर मेरो है। चल ना, मैं आती हूँ। हाँ। आजा। नंद भवन लिखी हुई सिला, जे यहाँ कहाँ से आई? बाबा, जहाँ हम होंगे वही तो नंद भवन होगो। चाहे गोकुल में हो या कहीं और। आपने अपना वचन पूरा कर दिया। मैंने कछु ना किया है सुधा, ये सब तो श्री नारायण की कृपा है।
लल्ला, ये तो वैसे ही चित्र जैसे मैंने अपनी दीवारों पे बनाई थी। और ये भी वैसे ही अधूरी है। तब तो मैया हमें इन चित्रों को पूरा करना चाहिए। हम इस सजावट को वहां जाके पूरी कर लेंगे जहाँ ढेर सारे लाल फूल होंगे। आओ ना मैया, ये चित्र पूरा करते हैं। लल्ला, जी देख, वैसो ही उखल है। मैं भी हूँ, उखल भी है, पर मेरा फिर से डर लेने का कोई विचार ना है मैया। यदि उखल यहाँ है तब तो भीतर भी सब कछु वैसा का वैसा ही होगा। वही पलंग, वही बिछौना, सब कुछ तो वैसा ही है। जी क्या, ये तो चमत्कार होगा। वही रसोई, वही पात्र, वही मटकियां और वही आधा उठा हुआ दूध, और वही पुरानी यशोदा भी। फिर से खिखी खिखी करने लगे दोनों। दोनों बाबा लल्ला को ना बस अवसर चाहिए मेरा उपहास उड़ाने के लिए। क्या देख रहे हो अब, जाओ सकट से सामान उतारो। और हाँ सुनो जी, सबसे पहले श्री नारायण और लक्ष्मी जी की मूर्ति उतारना, जी सब उन्हीं के कारण संभव हुआ है। इससे पहले कि जो मूर्ति लेके आए, मैं पूजा घर व्यवस्थित कर देती हूँ। अरे स्वच्छ करने के लिए वस्त्र तो लाना भूल ही गई। दोनों, मैं कुछ भी बोलूं आप दोनों तो हास पर हास ही करने लगते हो। यशोदा, वो गणाधिपति गणेश, वो कैलाश छोड़कर यहाँ क्यों आएंगे हमारा स्वागत करने? और बाबा आएंगे तो मुझसे मिले बिना थोड़ी जाएंगे। हो सकतो है तुमने गणेश जी के बारे में सोचो हो, इसी कारण तुम्हारे मन ने इस रिक्त पड़े मंदिर में उनकी कल्पना कर ली। अरे मैंने साक्षात उन्हें यहाँ बैठे हुए देखो है जी, ऐसे कैसे कल्पना कर ली? मैया वो फिर से दिखे तो मुझे भी मिला ना, मेरा बहुत मन है मैं उनके बड़े बड़े कान को छू के देखूं, उनकी सूंड के साथ खेलूं।
वैसे जे भी हो सकता है कि उनका आभास हमें जे स्मरण कराने के लिए हुआ है ताकि हम वृंदावन में अपना नया जीवन उनके नाम से आरंभ कर सके। जे संभव है। सुनो जी, मैं ऐसा करती हूँ, रसोई में जाके प्रथम पूजनीय गणेश जी का नाम लेके उनके लिए भोग बनाती हूँ। तब तो बहुत सारे भोजन की आवश्यकता पड़ेगी मैया, उनका पेट तो कितना बड़ा है ना। तू चिंता मत ही कर लल्ला, बहुत अधिक मात्रा में व्यंजन बनाऊंगी मैं। अधिक मात्रा में ना मैया, अधिक तरह का भोजन भी बनाना पड़ेगा उनके लिए। घी, पूरी, चूरमा, कढ़ी, चावल, दाल, बहुत सारे लड्डू भी बनाने पड़ेंगे। आपने कही थी ना, मेरी तरह गणेश जी को भी लड्डू बहुत पसंद है। मुझे इन सब व्यंजनों की सुगंध क्यों आने लगी, और विशेष रूप से लड्डुओं की? क्या हुआ यशोदा? जे इतना सारा भोजन, अब बोलो जे सब कछु ना है, जे सब मेरी कल्पना है। हाँ, अभी जब आए थे तो जे आधे ओटे में दूध के अतिरिक्त तो और कुछ भी ना था यहाँ, तो जे सब कहाँ से आ गए? प्रभु, ये सब कैसे हुआ? प्रभु, लगता है गणेश जी की बात सुनकर मैं कुछ अधिक ही उत्साहित हो गया, और मेरे विचारों से उनके इस भोग ने अपना जन्म ले लिया। पर अब कई मैया इसका संबंध मेरे साथ ना जोड़ दे। और जे वही सब व्यंजन है जो अभी कान्हा ने कही थी, सब किसने बनाया? और वो भी इतना सारा कि पूरे गांव को पूरा पड़े तब भी समाप्त ना हो। पापा संभालो। श्री नारायण, जिन्होंने रात भर में पूरा गांव बसा दियो, उनके लिए जो भोजन का प्रबंध करना कौन सी बड़ी बात है? यशोदा, अधिक सोचने की आवश्यकता ना है। प्रभु चाहते हैं कि यात्रा से थके हुए उनके भक्तों को तनिक भी कष्ट ना हो, इसीलिए उन्होंने उनकी भूख और प्यास का प्रबंध पहले ही कर दियो। मैया, मैं हूँ गणेश। गणेश जी, कान्हा की मैया। यशोदा, क्या कह रही हो? गणेश जी हमारे घर में ही है जी, यही है वो, अभी उन्होंने मुझे पुकारा है। कोई भ्रम हुआ होगा, यहाँ तो कोई भी ना है। अच्छा, जब श्री नारायण नंद भवन जैसा घर वृंदावन में बना सकते हैं, पूरे गोकुल वासियों के लिए भोजन का प्रबंध कर सकते हैं, तो गणेश जी यहाँ कैसे ना हो सकते? बाबा, मैया कह रही है तो कछु कारण अवश्य होगा। मैया सदैव असत्य थोड़ी ना कहती है। लो, सुन लो इसकी बात। अब तो आपका लल्ला भी आपके जैसा उपहास उड़ा रहा है मेरा। और सदैव का क्या अर्थ होता है रे? मैं कभी असत्य ना कहती। और सत्य बात तो ये है कि गणेश जी ने मुझे कान्हा की मैया कह के पुकारो है। पर मैया गणेश जी है तो है का? हमें दिखाई क्यों ना पड़ रहे हैं वो? जल में हूँ, मुझे बाहर निकालिए ना। यशोदा जी, क्या कर रही हो? गणेश जी ने कहे वो जल के भीतर है। जल के भीतर? कहीं बाहर वाले मटके में तो ना है? अरे यशोदा, तो गणेश जी छुपन छुपाई खेल रहे हैं मैया के साथ।
यशोदा सुनो तो सही। यशोदा, कहीं उस बड़े वाले मटके से तो ना आ रही। यशोदा, ये तुम्हारी कल्पना मात्र है। गणेश जी मटके में कैसे हो सकते हैं भला? मैया, शीघ्र निकालिए ना मुझे जल से बाहर। सुनी सुनी आपने, यहीं से आरो ऐश्वर। यशोदा, मैंने कही थी ना तुमसे, ये तुम्हारी कल्पना मात्र है। पर मैंने स्वर सुना था जी। मुझे मैया की सहायता करनी होगी। मैं सच्ची में कल्पना कर रही हूँ क्या? जैसा भ्रम है, क्या हो क्या रोए मुझे? मैया, हो सकता है गणेश जी हमारे घर के जल में ना हो, कहीं बाहर से आरो उनका स्वर। तू भी मैया की हाँ में हाँ मिला रहे है? नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद, कोई तो है जो मेरा विश्वास करता है। और सदैव करूंगा। चलो मैया, हम बाहर देख के आते हैं। नंदराज, यशोदा जी। नंदराज, आप सब लोग यहाँ, क्या बात है? जो चमत्कार यहाँ हो रहा है, हमें तो उस पे विश्वास ही ना हो रहा। नंदराज, बिल्कुल गोकुल जैसी सुख सुविधाएं मिली हमें यहाँ। आपने सही कही थी यशोदा जी, श्री नारायण हमारे साथ ही हैं। इसीलिए हमने सोचा कि इस अवसर पर उत्सव तो मनाया ही जाना चाहिए। श्री नारायण ने हमारे रहने के साथ साथ आज के भोजन को भी प्रबंध कर दियो है, तो आज का भोजन आप सब लोग नंद भवन में ही करेंगे। प्रभु नारायण भगवान की जय। यशोदा मैया, मैं अभी भी जल में ही हूँ। यशोदा मैया, यहाँ से बाहर निकालिए मुझे। जब से यशोदा यहाँ आई है, उसे गणेश जी के यहाँ आसपास होने का आभास हो रहा है। भैया, ये तो मैं ही हूँ ना। अरे तुम सब क्या देख रहे हो? मैं बता रही हूँ ना, गणेश जी यहीं कहीं है।
किसी कुएं, नदी, तालाब, पोखर, बावड़ी कहीं आसपास की नदी में है पर है। मैं अभी खोज कर आती। भैया मैं भी चलूंगा। चल अब हम सब मिलकर ढूंढेंगे। पैरोनन, बहू को जो स्वर सुनाई पड़ रहा है वो गणेश जी को है, ये कैसे मान ले? वो कंस को फैलाए हुए कोई चाल भी तो हो सकता है। जिस प्रकार उसने गोकुल में राक्षस भेजे, यहाँ पर कोई मायावी भी तो भेज सकता है, पर वो अपने स्वर से हमें भ्रमित करके अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ओ विष्णु अवतार, क्या नाम है उसका? हाँ कृष्ण। सुना है गोकुल से भागकर वृंदावन के वनों में छुप गया है। मुझे तो शंका हो रही है, ये कैसा विष्णु अवतार है जो अपनी गांव की रक्षा के समय साधारण से सूखे और कुछ भेड़ियों से भयभीत होकर भाग गया है। लगता है कृष्णा के भय से चतुराई आपका साथ छोड़ गई है भैया। यदि भयभीत होकर भागना होता तो वो कहीं दूर जाता, काशी या कांचीपुरम, वृंदावन अर्थात मथुरा के निकट नहीं आता वो। तुम्हारे गुप्तचरों ने गोकुलवासियों को अंतिम बार कहां देखा था दुर्जन? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है भैया के आशा के अनुरूप वो वृंदावन के वनों में भूखे प्यासे तो नहीं भटक रहे होंगे। कौन? महाराज उन्होंने तो अपनी सारी व्यवस्था पहले ही कर ली है, एक ही दिन में ऊंचे भवनों और पक्के घरों का भी प्रबंध हो चुका है और उसमें वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो उन्हें गोकुल में प्राप्त हुई। देखा महाराज, आपको लगता था कि आपने कृष्णा पर अपनी दृष्टि रखी हुई है, परंतु सत्य ये है कि वो आप पर अपनी दृष्टि रख रहा है। अपनी दृष्टि रख रहा है। आप उचित कह रहे हो भैया, हमें उस स्वर के पीछे ऐसे बिना सोचे समझे जमुना जी में ना उतरना चाहिए। किंतु मैया आप गणेश जी से प्रार्थना क्यों नहीं करती कि वो अपने होने का कुछ प्रमाण दे दे और अपने तक पहुंचने का भी मार्ग बता दे। कितना से आना होगा मेरा लल्ला। हे गणेश जी, यदि आप सच्ची में मुझे पुकार रहे हो तो कछु तो प्रमाण दे दो कि जैसा भी मेरा विश्वास कर ले। मेरी विनती सुन लो गणेश जी। क्या कह रहे हो गणेश जी? अब छोड़ो ये छुपन छुपाई का खेल, कोई संकेत दो ना हमें। गणेश जी ने आपकी पुकार सुन ली मैया, संकेत दे दी भाइयों मैंने। चलो मिलकर देखते हैं कि हमें मूसक राज कहां तक लेकर जाते। अच्छा आ, 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 आ,
ये मूसक महाराज कहाँ? यशोदा, तुम्हें कछु आवाज हो रो है? हाँ जी, मुझे तो बहुत दिव्य आभास हो रो है। मुझे पक्का लग रो है गणेश जी हमें यही मिलेंगे। मूसक राज से संदेश भिजवा कर यहाँ तक बुलवा लिया, पर अब सामने भी तो आ जाओ। गणेश जी, मुझे आपसे मिलना है। अब तो आप यहाँ आ गई हैं मैया, अब तो निकालिए मुझे जल से बाहर। वो यही है जी, उन्हें खोजो ना यहाँ। पंछी, बजरंगी भानु, जाओ। नंदराज, इधर तो कछुना है। रानी भाभी, यहाँ गणेश जी ना मिले। पर गणेश जी ने तो यही होने का संकेत दिया है। देखो जी, वहां वहां से बुलबुला निकल रहा है। मैं जाता हूं। जाओ ना गणेश जी। वक्रतुंड लंबोदर गजानन श्री गणाधिपति गणेश जी की जय।